तमाम पत्रकार भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबकी बड़ी देर से ये बात थी कि स्टेट बॉडी जो है वो आम आदमी पार्टी की नहीं बन रही है। आज स्टेट बॉडी का ऐलान हो चुका है जम्मू कश्मीर में, और एक बहुत ही बेहतरीन टीम आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, जिसके लिए हमें अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, दुर्गेश पाठक जी, मनीष जी, गौरव जी, हरजोत सिंह बैंस जी, इमरान जी और जितने भी साथी हैं, यहाँ वैभव जी हैं, सत्या जी हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि एक बहुत ही मजबूत टीम जिसमें बहुत ही कैपेबल साथी, बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं, और आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है और लोगों की सेवाएं देने के लिए यहाँ जो है वो उसका गठन किया गया है। लोगों को एक अल्टरनेटिव चाहिए था जम्मू कश्मीर में, जो आम आदमी पार्टी आज की तारीख में दे रही है। लोगों की मुख्तलिफ समस्याओं के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी वचनबद्ध है। जो भी लोगों के इश्यूज हैं उनको पूरी शिद्दत के साथ उभारेगी, चाहे वो नौजवानों के इश्यूज हैं, चाहे वो विद्यार्थियों के इश्यूज हैं, चाहे वो बेरोजगार हमारा जो यूथ है उनके इश्यूज हैं, डेली वेजर्स है, किसान है, मजदूर है, ट्रेडर्स है, एम्प्लॉइज है, कॉन्ट्रेक्चुअल्स है, सबकी लड़ाई आम आदमी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से एक मिसाल पैदा की है दिल्ली में, आम लोगों की जिस तरीके से खिदमत की है और जिस तरीके से सुविधाएं दिल्ली के अंदर मुहैया की है, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। पंजाब के अंदर पिछले 7 महीनों में जो काम किए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, एक बहुत बड़ा पैगाम है पूरे हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। और तमाम अवाम से हम अपील करना चाहते हैं कि आम जनता की मजबूती के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, मजबूत बनाइए, ताकि जन विरोधी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी की है उनका डटकर मुकाबला किया जा सके। आज जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है, और इनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद कर सकता है तो वो वायद और वायद आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से लगातार हालात जम्मू कश्मीर के अंदर खराब हो रहे हैं और सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, उसके लिए मौजूदा सरकार को आम आदमी पार्टी जवाबदेह बनाएगी। बहुत बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उन्होंने कश्मीर समस्या का समाधान कर लिया है, लेकिन आए दिन जम्मू कश्मीर में किलिंग्स हो रही है। जो 2 मजदूरों की निर्मम हत्या कल की गई है उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। पिछले 3 दिनों में 3 हत्याएं कश्मीर के अंदर हो चुकी है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाएगा, क्या हुआ उसका पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते थे इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज करके पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे हम, ताकि पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाए, क्या हुआ उसका। नरेंद्र मोदी जी कहते थे मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस पाकिस्तान को मिला है वो हम विड्रॉ करेंगे, क्या हुआ उसका। सारे के सारे जुमले बन के रह गए, आज लोगों को जोड़ने की कोई बात कर रहा है, सब समुदाय के लोगों के साथ लेकर चलने की बात कर रहा है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, केजरीवाल जी कर रहे हैं और उनकी टीम कर रही है, और आने वाला वक्त आप देखेंगे गुजरात में
एक थम्पिंग मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई भी किसी किस्म का शुभ नहीं रहना चाहिए।